हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट विद अभिषेक में। देखिए फ्रेंड्स, बहुत सारे लोगों का लगातार मैसेज आ रहा है, इसलिए मुझे ये मैसेज थोड़ा सा इम्पोर्टेंट लगा बनाने के लिए। मैं थोड़ा सा बाहर हूँ बट छत पे आ गया हूँ, थोड़ी लाइट कटी हुई है तो यहाँ पे मैं वीडियो बना दूंगा। इसमें दो तीन सेक्शन पे मैं बात करूंगा। सबसे इम्पोर्टेंट सेक्शन है आपका, ढेर सारे स्टूडेंट का मैसेज आ रहा है कि सर 15 नवंबर ड्यू डेट थी, 15 के पहले आ जाना था ट्यूबवेल ऑपरेटर का रिजल्ट आपका, बट अब नहीं आ रहा है तो हम लोग एक विशाल धरना देने जा रहे हैं। ये सब है, बहुत सारे लड़कों का मैसेज आ रहा है, स्टूडेंट्स का मैसेज आ रहा है, तो हम अभी बात करेंगे। पहले एक मिनट के लिए दो तीन चीजों का मैसेज जो आ रहा है लोगों के लिए उस पर बात कर लेते हैं। तो फ्रेंड, क्रैश कोर्स के लिए जो मैंने एक दो वीडियो में उसका वो किया था, बताया था कि काफी सारे स्टूडेंट्स को और भी मतलब वो काफी अच्छा लगा हुआ है क्रैश कोर्स, तो वो और सारे बच्चे ज्वाइन करना चाहते हैं, तो फ्रेंड्स उसको अभी भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। आपको डेली मतलब जो पीडीएफ है वो सारी चीज भेज दी जाएगी। अभी वो लगातार चल रही क्लासेस, रेफरेंस दे सकते हैं आप हमारे चैनल का, तो आपको एक डेमो टेस्ट मिल जाएगा और साथ ही साथ ये पूरा जब ज्वाइन करते हैं आपको 499 है पूरा स्क्रीन पे, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे सारे डिटेल्स, तो इस नंबर पे आप कॉल करके सारी जानकारी ले सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा और ढेर सारी चीज मिल जाएगी इन्फॉर्मेशन, तो आप वहां से उनको कॉल करके अपनी पूरी डिटेल ले सकते हैं। दूसरा है फ्रेंड्स, आज से मैं आईडीओ आर्टिकल शुरू करने जा रहा हूँ यूपीपीसीएस और आरओ एग्जाम के लिए, क्योंकि फ्रेंड्स वीडियो में बनाता हूँ जो इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैं देखता हूँ उससे थोड़े से कम व्यूज हो रहते हैं, तो मैं कोशिश करता हूँ अपने टेलीग्राम ग्रुप में डेली बेसिस पे आपको एटलीस्ट 5 to 10 मिनट का आईडियो आर्टिकल भेजूंगा, क्योंकि आप उसको कहीं भी हेडफोन या ईयरफोन लगा के आसानी से सुन सकते हैं और काफी अच्छे से उसका प्रिपरेशन कर सकते हैं। इस चीज का मुझे बेटर एक्सपीरियंस है, वो चीजें काफी अच्छी से समझ में आती है। अब तीसरे मुद्दे पे बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले इसमें फ्रेंड दो तीन चीजें हैं कि 15 नवंबर ड्यू डेट तो थी, एक दो ड्यू डेट पहले भी बीत चुकी है तो अभी तक इनका रिजल्ट नहीं क्लियर हो रहा है। तो सबसे पहले आप यहाँ पे जाइए, जैसे कि मैं यहाँ पे स्क्रीन पे आपको दे रखा है कॉन्टेक्ट एस में, ये जो आपके लेफ्ट साइड में दे रखा है रेड कलर में, तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे सबसे नीचे दो चीज दे रखा है, एक तो नंबर दे रखा है लास्ट में 14 है और एक दे रखा है रिपोर्ट प्रॉब्लम में। तो रिपोर्ट प्रॉब्लम में आप जाओगे तो आपको ये पूरी डिटेल्स खुल के आएगी फ्रेंड्स। 15 के पहले भी मैं कई बार इनको मैसेज कर चुका हूं, अभी तक मुझे कोई रिप्लाई नहीं मिला है, बट ये अगर ये बल्क में जाएगी, मास नंबर में जाएगी, कई सारे लोगों के द्वारा मैसेज जाएगा तो कुछ जरूर उस पर सुनवाई होगी और मुझे उम्मीद है कि एक दो तीन दिन के अंदर आपका रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है। तो बट अभी आपको ये काम करना है। दूसरी चीज ये है कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक ग्रुप का लिंक दे रहा हूं स्पेशली जो बेस्ड है आपके ट्यूबवेल ऑपरेटर के लिए, और अगर आप उसको नहीं ज्वाइन कर पाएंगे तो मैं आपका व्हाट्सएप नंबर दे दूंगा अपना, तो उस सभी पे सभी लोग अपना मैसेज करके ज्वाइन मी, प्लीज ज्वाइन मी, ऐसे कुछ करके अपने नाम के साथ में सेंड कर दीजिए, मैं एक ग्रुप बना देता हूँ, कोई भी इंस्टेंट इन्फॉर्मेशन होती है तो मैं आपको शेयर कर दूंगा। तो ये इंपॉर्टेंट चीज थी। और जो लोग अभी धरना के लिए बोल रहे हैं फ्रेंड्स, तो एक चीज मैं कहना चाहूंगा कि देखिए दो तीन दिन अभी आप वेट कर लेते हैं, क्योंकि धरना बोले तो कुछ अच्छे लड़के आने चाहिए, ढेर सारे लड़के आने चाहिए, एक शांतिपूर्ण धरना देना है, कुछ इधर उधर का नहीं करना है, ठीक है। तो वहां से हमारी बात बन सकती है, अभी दो तीन दिन वेट कर लीजिए, ठीक है। 18 तारीख आप ड्यू डेट दे रहे हो, कई सारे लोगों का मैसेज आया कि सर कुछ करिए, तो मेरा लखनऊ जाने का प्लान हो सकता है आप सबके लिए, बट अभी दो तीन दिन ये काम कर लेना है, प्लीज ये काम करिए, क्योंकि मुझे लगता है कि इसमें आपका जो प्रॉब्लम है सॉल्व हो जाएगा और आई होप कि ये चीजें निकल के बाहर आ जाएंगी, मतलब रिजल्ट आ जाएगा। और लोअर टू रिजल्ट के लिए लोगों ने कई बार मैसेज किया है तो वो भी अपडेटेड है, वो काफी इनके प्रियोरिटी में है, तो ये भी रिजल्ट जल्दी ही आ जाएगा। 15 के पहले इसको भी देना था, जैसा कि इन्होंने लिखा था कि द्वितीय पक्ष में मैंने पूरा अद्यतन रिपोर्ट पे वीडियो बना था, तो ये चीजें हैं, आप ध्यान दे लीजिएगा। और अभी भी आपको कोई कमेंट हो तो प्लीज, कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में टाइप करके बता सकते हैं। चलिए ठीक है, इमरजेंसी था तो मैं सोचा कि वीडियो बना दूं, लगातार मैसेज आ रहे थे सब लोगों के, तो मुझे लगा कि वीडियो बना दे। थैंक यू सो मच, जय हिंद, वंदे मातरम।